हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप का एक्वाइन ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं, जो देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। आप लाइटरूम ऐप से ऐसा फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड चैनल पर पहली बार आओगे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में शेयर कर लिए हैं, तो इसको हम सिंपल ओपन कर लेते हैं, ठीक है फोटो को। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है ओपन हो गया है। फोटो ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले इसके कलर को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कलर वाला ऑप्शन पे पहले क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एंड डायरेक्ट हम आ जाएंगे ग्रीन वाला ऑप्शन पे। ओके, एंड इसके सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेंगे, ठीक है गाइस। सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेने के बाद, एंड इसकी ह्यू को भी आपको माइनस कर लेना है पूरा 96 के अराउंड। ओके, इतना कर लेने बाद फिर आपको क्या करना है, आपको आ जाना है येलो वाला ऑप्शन पे, एंड इसके सैचुरेशन को आपको बढ़ा लेनी है। तो सैचुरेशन को बढ़ा कर करीब आपको 43 के अराउंड कर लेना है। ओके, 43 के अराउंड सैचुरेशन कर लेने के बाद फिर आपको आ जाना है ब्लू टोन वाला ऑप्शन पे, एंड ब्लू कलर वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद इसके 83 के अराउंड, एंड लेमनेस को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे 1 करीब। ओके, फिर आपको आ जाना है सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन पे, ये जो है हमारा फेस का कलर है। तो फेस को गोरा करने के लिए हम लेमिनेंस को थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ठीक है 25 के अराउंड, और सेचुरेशन को थोड़ी सी माइनस कर लेंगे -12 के अराउंड। ओके, फिर आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एंड इसके भी सेचुरेशन को आपको पूरा फुल माइनस कर लेना है। ओके, डन। तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर टेम्परेचर के वैल्यू को थोड़ी सी माइनस कर लेंगे, तो -6 के अराउंड इसके टेम्परेचर को कर लेते हैं, ठीक है गाइस, एंड वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे, ठीक है 39 के अराउंड बढ़ा लेते हैं। तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हाईलाइट फोटो में ज़्यादा है तो हाईलाइट को कम कर लेंगे, ठीक है। तो हाईलाइट को -14 के अराउंड रख लेते हैं, एंड शैडो भी बहुत ज़्यादा है फोटो में तो शैडो को भी कम कर लेते हैं, शैडो को कम कर लेंगे करीब 31 के अराउंड, एंड ब्लैक्स को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक्स को 33 के अराउंड बढ़ा लेंगे, एंड कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे करीब 15 के अराउंड। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कर्व वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड इस वाला पार्ट को पकड़ के सबसे ऊपर वाला, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, एंड बीच वाला पार्ट को पकड़ के ऐसे कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ ले जाएंगे। ओके, ऐसे कुछ इस टाइप से, एंड ऐसे करने के बाद फिर गाइस आपको ब्लू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इधर से इसको पी पार्ट को उसे ऊपर की तरफ ले जाना है, एंड बीच वाला पार्ट को इस टाइप से थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाना है। ओके, एंड इतना ऑप्शन करने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो अपने डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख पा रहे हो, काफ़ी मस्त लग रहा है फोटो। इतना ऑप्शन करने के बाद फिर आ जाएंगे इस वाला ऑप्शन पे, एंड फोटो में थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि फोटो दिखने में अच्छा लगे। तो क्लियरिटी को बढ़ा लेते हैं 26 के अराउंड, एंड फोटो में विंगनेट डाल देंगे, तो विंगनेट को हम कर लेते हैं करीब 13 के अराउंड। ओके, एंड मिड पॉइंट को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे 61 करीब, एंड फेदर को भी बढ़ा लेंगे 67 करीब। तो अगर फेदर को बढ़ा लेने के बाद फिर आपको ट्रेंगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड ट्रेंगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नॉइज रेडिएशन को बढ़ा लेनी है 11 करीब, और शार्पिंग को फोर के अराउंड बढ़ा लेनी है। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारा जो फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है और काफ़ी मस्त भी लग रहा है। आप लोग बिफोर देख सकते हो फोटो कैसा था, एंड आफ्टर देख सकते हो ब्लैक एंड एक्वा कलर में हो चुका है, एंड काफ़ी मस्त भी लग रहा है। इसको गैलरी में सेव करने के लिए हमको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है, तो हमारी जो फोटो है गैलरी में आसानी से सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम फोटो एडिटिंग से रोज़ वीडियो लाते रहते हैं। और आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।